एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस 2x-3y लेस देन इक्वल टू 6 2x+3y लेस देन इक्वल टू 12 x>= 0 एंड y>= 0 द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x-3y = 6 विच इज इक्वेशन नंबर 1 2x+3y = 12 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y=0 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2x-3y की जगह पे 0=6 2x=6 x=6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 सो पॉइंट इज़ 3, 0 अब y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या रखेंगे x को 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में नो पुट x=0 इन इक्वेशन 1 2x की जगह पे आएगा 0-3y = 6 जहाँ से आएगा -3y = 6 y = -6/3 विच इज़ इक्वल टू -2 सो पॉइंट इज़ 0, -2 अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x इंटरसेप्ट के लिए पुट y = 0 इन इक्वेशन 2 सो 2x+3y की जगह पे आएगा 0=12 x=12/2 x=6 पॉइंट इज़ 6, 0 Now for y intercept put x=0 in equation 2 2x की जगह पे आएगा 0+3y = 12 3y = 12 y = 12/3 which is equal to 4 so point is 0, 4 अब टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे पहले इक्वेशन 1 में x और y की जगह पे 0 रखेंगे फिर इक्वेशन 2 में तो टेस्ट पॉइंट है पुट 0, 0 इन 2x-3y < 6 2x की जगह पे 0-3y की जगह पे 0<6> जहाँ से आएगा 0<6> विच इज़ ट्रू सो ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी 2x-3y < 6 विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड नो पुट 0, 0 इन 2x+3y < 12 2x की जगह पे आएगा 0+3y की जगह पे भी आएगा 0<12> जहाँ से आएगा 0<12> विच इज़ ट्रू सो ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी 2x+3y < 12 विल बी टूवर्ड्स योर ओरिजिन साइड अब इसका ग्राफ बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस बनाएंगे उसके ऊपर पॉइंट्स रखेंगे फिर हमारे पास पहले 3, 0 जो कि x एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है और 0, -2 जो कि नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे उसको लाइन 1 का नाम दे देंगे फिर जो दूसरे दो पॉइंट हैं 6, 0 और 0, 4 इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन के ज़रिए ज्वाइन करेंगे और उस लाइन को नाम दे देंगे लाइन 2 का उसके बाद उसका कॉमन शेडेड रीजन निकाल लेंगे दोनों का आंसर क्या था ट्रू तो दोनों टूवर्ड्स योर रीजन साइड शेड हो जाएंगे नो ओ ए बी सी इज़ द फिजिबल सोल्यूशन रीजन सो कॉर्नर पॉइंट्स आर अब इनको हमने नाम दे दिया है पॉइंट्स को ओ ए बी सी ये कौन से पॉइंट हमारे पास हैं जो शेडेड कॉमन शेडेड रीजन में आ रहे हैं तो उन पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट किन पॉइंट पे निकलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन रीजन पे ही निकलते हैं तो हमारे पास आएगा ओ 0, 0 ए 3, 0 सी 0, 4 अब हमने क्या निकालना है बी निकालना है तो बी निकालने के लिए बी किन किन दो पॉइंट का इंटरसेक्शन है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का सो टू फाइंड बी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 2x-3y = 6 2x+3y = 12 2x में 2x ऐड करेंगे तो 4x-3y + 3y कैंसिल हो जाएगा = 12 जहाँ से आएगा x = 18/4 विच इज़ इक्वल टू 9/2 x की वैल्यू आ गई 9/2 नो पुट x = 9/2 इन इक्वेशन 1 2x यहाँ पे आएगा 9/2 -3y = 6 2 से कैंसिल 9-6 = 3y y = 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 सो b आ जाएगा 9/2, 1 के इक्वल अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल